शुदाय से अल्लाम गाइज और शुदा से अल्लाक सिविल इंजीनियर्स जो भी है एक्चुअली मैं जो है सोच रहा था कि कोई ऐसा मैं uh, मतलब मैं प्लानिंग कर रहा था

मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बंदा जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है कुछ टाइम के बाद बुक्स ले लेता है थोड़ी देर कुछ दिन तैयारी कर लेता है उसके बाद फिर मन नहीं करता दिल नहीं करता तैयारी करने का तो मेरे माइंड में आइडिया ये आया कि मैं इससे इस मेरी तैयारी भी हो जाएगी और जो मेरे सर्कल में लोग हैं उनके साथ डिस्कशन भी हो जाएगी तो मेरे साथ साथ बाकी लोग भी तैयारी कर पाएंगे इसीलिए मैंने अपना जो प्रेजेंटेशन के फर्स्ट लाइट स्लोगन भी लिखा हुआ टुगेदर राइट तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब को लाइक like, टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लें अब पहले ये होता था ग्रुप स्टडीज वगैरह हम करते थे ना अब वो ग्रुप स्टडीज़ के लिए जाहिर सी बात है सारे जो फ्रेंड्स वगैरह वो बिजी होते हैं टाइम नहीं होता तो मुझे लगा कि ये दिस इज अ वे टू प्रिपेयर सिस्टम फॉर एफ पी जिसके अंदर हम जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा तो कमेंट्स के अंदर हमारी डिस्कशन होंगी तो इससे काफ़ी लोगों की लोगों की तैयारी हो जाएगी तो इसमें यह है कि हम कहीं पे भी बैठ के मोबाइल में यूट्यूब में देख के सुन के डिस्कस करके तैयारी कर सकते हैं तो मुझे ये एक बेटर आइडिया लगा इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया भाई। तो ये ए, इसमें मैं चाह रहा था कि पहली जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ कैसे करना चाह रहा हूँ और कौन से टॉपिक्स हम लोग बैठ कर डिस्कस करेंगे और इसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स या वेबसाइट्स कौन सी हैं सिलेबस आई केस किस तरह होगा अभी तक तो जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है इनके सिलेबस आई गेस एस एफ पी एस सी के वेबसाइट पे अभी तक लगा नहीं है वहां पे। लेकिन जो जो टेस्ट में पहले कभी अपियर हुआ तो उसको अंदाजा हो जाता है कि कौन से टॉपिक जिनके इंक्लूजन के ज्यादा चांसेस हैं। तो खैर हम लोग आगे देख लेंगे जैसे मैंने कहा वर्क्स वर्क डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिसका टेस्ट होगा लेकिन अब एग्जैक्ट डेट का कुछ पता नहीं है तो आई थिंक वी डोंट हैव दैट मच टाइम सो हम जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर लें तो बेटर हमारे लिए रहेगा तो इसके इसके अंदर जो है सिलेबस मुझे जहां तक अंदाजा है उसमें यह है कि अगर हमारा हंड्रेड परसेंट जो पेपर है जिसके अंदर हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा उसमें आई आई थिंक थिंक के 80 हमारे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली एम सी क्यूज ही होंगे और ट्वेंटी परसेंट हमारा इंग्लिश होगा तो इसमें जो है हम लोग अभी जो मैं चाह रहा हूँ कि हम एटी परसेंट फील्ड रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग के रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लें और उनको उसको कवर कर लें बाकी रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट इंग्लिश हम लोगों को जो है इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा इसमें कुछ रिकमेंडेड बुक्स और सोर्सेज जो मुझे पता हैं वो मैंने शेयर किए हुई हैं अगर किसी और को कोई और सोर्स पता है जो इम्पोर्टेंट है तो वो मतलब दूसरे लोगों के हेल्प के लिए कमेंट में भी बता सकते हैं हमें अपडेट कर सकते हैं तो बुक्स जो हैं अभी तक की जो प्रैक्टिस रही है पाकिस्तान के अंदर आई गेस इंडिया के अंदर भी यही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के, के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं एम टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के उसके अंदर इन तीन बुक्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पहला हमारा जो है प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक है पीएन खन्ना का आई थिंक हर सिविल इंजीनियर को जो है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस ऑथर के का और बुक का पता ही होगा उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग बाय आर एस क्रुमी एंड गुप्ता एंड द थर्ड वन इज सिविल इंजीनियरिंग बाय आर एगर राइट दीस आर थ्री बुक्स जो मैंने मतलब काफ़ी लोगों से सुना है जिन्होंने ऑलरेडी एफ पी क्लियर किया हुआ है और अभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्व भी कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं और एक वेबसाइट है डब्ल्यू इसके ऊपर भी आपको एम मिल जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के आलमोस्ट सारे टॉपिक्स के और इसके एक प्लस पॉइंट ये कि इसके अंदर आप जो है एम सी क्यूज को सोल्व करने के बाद अगर आपको कोई किसी ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है तो उसके अंदर डिस्कशन का एक ऑप्शन है जिसके अंदर नीचे काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई ऑप्शन ठीक है तो क्यों ठीक है विद रीज़निंग सो काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा हेल्पफुल लगा ये वेबसाइट तो ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ द नेक्स्ट थिंग इज टॉपिक्स क्या क्या होंगी अभी तक ए ने कोई मखसूस सिलेबस अपने वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ है कि ये जो अनाउंसड वैकेंसीज हैं उनके लिए सिलेबस ये होगा लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने रेड कलर किया हुआ और बोल्ड किया हुआ है मुझे लग रहा है कि आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होंगी बाकी जैसे रेलवे टनलिंग डॉक्स एंड हार्बर्स एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये इससे इतने ज्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं आते बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, हाइड्रोलिक्स इन्वामेंटल इंजीनियरिंग सॉयल फाउंडेशन इंजीनियरिंग आरसीसी स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन हाईवे इंजीनियरिंग इरीगेशन पर्स एंड सी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्रिटिकल पाथ मेथड जो बर्थ का डिफरेंस है और इसके अंदर हम लोग मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पूरे टॉपिक को कोशिश कर लें कवर कर लें उसके बाद एस आई यूनिट्स और थीरी ऑफ स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और मैंने ये चीज़ नोट की कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन आ रहे होते हैं और इसके अलावा एंड में जो है आपका कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आ जाते हैं कभी कभार तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अपडेटेड हैं और मैं मैंने मतलब ये प्लान बनाया है कि अभी जो हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं है, टेस्ट होने वाला है तो आई गेस अगस्त के मंथ के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि टेस्ट हो अगर लेट हो तो और बेटर है लेकिन अगर जल्दी हो गया तो फिर अगस्त के अंदर हो सकता है तो उस हिसाब से हम अगर देखते हैं हमारे पास थर्टी टू थर्टी फोर्टी डेज अगर हमारे पास लिमिट है तो उसके अंदर हम अगर डेली बेसिस पे एक वीडियो के अंदर हंड्रेड एमसी अगर हम कवर करते हैं मिनिमम विद रीजनिंग ऑब्वियसली जब हम एमसी सॉल्व करेंगे तो उसके जो चार ऑप्शन उसमें उस से एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई देर ऑप्शन इज करेक्ट ठीक ऑप्शन क्यों सही है तो इस हिसाब से अगर हम थर्टी डेज का काउंट करते हैं तो डेली अगर मिनिमम हैंड्रेड करेंगे तो हम एक मंथ के अंदर मिनिमम थ्री थाउजेंड एमसी कवर कर सकते हैं आई थिंक थ्री थाउजेंड एमसी एक मंथ के अंदर हम जब प्रिपेयर करेंगे तो ग्रेट इससे हमारी काफी बेहतरीन तैयारी हो सकती है सो so, ये मैंने इस तरह का प्लान बनाया हुआ है तो आप लोगों के कोई सजेशंस हैं तो आई व्रीशियट दो सजेशंस कमेंट्स में आप मुझे बता दें क्योंकि उन कमेंट्स को फिर मैं देख के मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर लूँ ना पहला जो हम लोग डिस्कशन या वीडियो बनाएंगे वो उन कमेंट्स को देख के उसके बेसिस पे मैं बनाऊँ तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप लोगों के सजेशनस होंगी जाहिर सी बात है डिफरेंट लोगों के माइंड में मे भी इससे ज्यादा बेटर सजेशनस हों तो फॉर नाव आई थिंक वी शुड से गुड बाई थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन श्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेंगे सो तब तक के लिए अल्लाह हाफि